देखो, आज मैं आपको गाड़ी की एसी की गैस जो है वो आपको रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैंने गेज को कनेक्ट कर लिया है, जैसे मैं आपको पिछली गाड़ी में तो बता चुका हूँ। मैंने इसको लो प्रेशर साइड पे कनेक्ट कर लिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। गैस जो ये आपका मेन है, ये आपका कंप्रेसर है। यहाँ से जब आप गाड़ी के अंदर आप एसी ऑन करते हैं तो इसका क्लच इंगेज होता है। इंगेज होने के बाद हाई प्रेशर जो है वो आपका कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में ये देखिए मेन लाइन हाई प्रेशर की ही आ रही होती है। इससे आपकी गैस इसके अंदर चलती है, ठंडी होती है। उसके बाद फिर आपकी हाई प्रेशर से ये आपका जो देखिए सेकंड कनेक्शन है, ये आपका जाता है एसी ड्रायर में। ये यहाँ से आपका ये लाइन जा रही है, ये आपकी पूरी जाएगी इन में, यहाँ पे इन लिखा होता है, ये एसी ड्रायर में जाएगी। एसी ड्रायर से फिर आपकी जो गैस है वो जाती है आपकी एक्सपेंशन वेल्व में, अंदर गाड़ी के एक्सपेंशन वेल्व से एवेपरेटर में, एवेपरेटर से आपकी रिटर्न होकर वापस, ये देखिए ये जो थिक लाइन होती है, जो आपकी लो प्रेशर लाइन होती है, वापस आपकी कंप्रेसर में आती है। इससे आपका गैसी एसी जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, इसके जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी आपको बता चुका हूँ कि बाहर की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हवाले से डिफ़र कर सकता है। और अगर आप उसमें इसका एक चार्ट को, जो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें मेंशन भी कर दूंगा और वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा, तो उसको आप देखते हुए EFI गाड़ी में भी अगर डालना है तो उस चार्ट को ज़रूर फॉलो करें कि आपने प्रिसाइस और प्लस आपकी गाड़ी में अंदर EFI अगर गाड़ी है तो उसमें आपको मेंशन किया हुआ होता है कि इसमें कितनी प्रिसाइस आपने गैस डालनी है। उसे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप कंप्रेसर को हार्म करेंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि गाइड कर दूंगा कि आपको, अभी तो मेरे ख्याल ये नॉन EFI गाड़ी है, लेकिन EFI गाड़ी में आपका उसमें आपका गैस भी बताई हुई होती है, बोनट पे या यहाँ पे टैग लगा हुआ था, इसमें आपको बताया हुआ था कि इसमें कौन सी गैस डलेगी और कितने पाउंड गैस डालनी है आपने, कितना इसके अंदर गैस डलेगी, कितना प्रेशर होना चाहिए गैस का, वो आप चार्ट के थ्रू उसमें डाल के और एग्जैक्ट और प्रिसाइज आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और आप उसको बेहतरीन कूलिंग रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैंने ये इसको कनेक्ट कर लिया है। प्लस अगर आपको इंश्योर करना हो कि आपकी गाड़ी में कोई लीकेज वगैरह जो है वो आप इसको पहले इंश्योर कर लें, तो आप किस तरह कर सकते हैं कि मैंने ये सोपी वाटर लिया है, इससे मैंने इस पर डाला, अगर इसमें कहीं पे लीक होगा तो वो आपका यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। प्लस मैंने इसके यहाँ पे ये देखिए ये कंडेंसर है, मैंने इस पर भी देख लिया। मैं मेक श्योर कि आप गैस रिफिल करने से पहले इन कनेक्शंस को चेक कर लें कि कहीं आपकी गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही। अगर आपकी लीक नहीं हो रही तो आप इजीली गैस को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर लीक हो रही है तो फिर आप पहले इन यहाँ से कहीं से अगर लीक हो रही है तो फिर पहले आप इन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर गैस रिचार्ज करेंगे। प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम आती है तो इनके अंदर ओ रिंग्स होते हैं, वो ओ रिंग्स जो हैं वो अगर समझ लें कि अपनी कहीं से लीक कर जाते हैं या कट जाते हैं या अच्छा वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे गैस लीक होना शुरू हो जाती है। तो वो इनको कनेक्शन को आप खोल के ओ रिंग्स को रिप्लेस करेंगे, फिर दोबारा आप लीकेज को चेक करेंगे और फिर आप गैसी की गैस को रिचार्ज करेंगे। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह से फॉल्ट्स को डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी गैस अगर रिचार्ज करने से पहले आप खाली गेज कनेक्ट करके और उससे आप प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें नॉन फॉल्ट जो आते हैं वो आप कैसे इजीली गेज के जरिए इसके प्रेशर को देखते हुए डायग्नोस कर सकते हैं। फिर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको आपको गाड़ी के अंदर के इनर रूम का टेम्परेचर दिखाऊंगा कि एसी गैस चार्ज करने से पहले मैंने अंदर टेम्परेचर किया और रिचार्ज करने के बाद कभी मैं आपको टेम्परेचर दूँगा कितना फ़र्क आया और कितने डिग्री जो है वो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ। गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसके कनेक्शन भी चेक हो जाएंगे कि जैसे कि एसी ऑन करेंगे आपका क्लच इंगेज होगा, प्लस आपका कंडेंसर का फ़ैन, रेडिएटर का फ़ैन वो भी आपके ऑन होने चाहिए ताकि 5 मिनट आप चलाएं ताकि गैस पूरी अंदर रिवॉल्व हो जाए। और मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसका रिचार्ज करने का तरीके का सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी के एसी को ऑन करूँगा, आप ये देखिएगा कि गाड़ी का कंप्रेसर इंगेज होगा और अंदर गैस घूमना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने गाड़ी का कंप्रेसर ऑन किया, ये प्लग जो है वो इंगेज हो गया और गाड़ी का एसी जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। अब अगर आप मेरी उसमें, मैं आपको 5 मिनट इसको चलने दूंगा, 5 मिनट चलने के बाद फिर मैं आपको इसमें लो प्रेशर साइड आपको प्रेशर दिखाऊंगा कि इसमें कितना प्रेशर है। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको गाड़ी के अंदर का भी टेम्परेचर दिखाऊंगा कि अंदर कितना टेम्परेचर है और फिर उसके बाद में रिचार्ज करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि फर्श करने के बाद एसी को गैस को रिचार्ज करने के बाद गाड़ी में कितने डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, अब आप इसके कंप्रेसर को एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर आपका लीक तो नहीं हो गया। जैसे अभी मैं जो खैर इसमें गैस कम है क्योंकि इसमें अगर आप प्रेशर देखें तो मेरा अराउंड 25 के अराउंड आ रहा है, जो बहुत कम है, 21 के करीब अराउंड आ रहा है, थोड़ा यानी कि 30 भी नहीं है नीचे है। लेकिन अगर आप इसमें इंजन को रिवाइव करें 2500 RPM के ऊपर, तो ये प्रेशर अगर 10 PSI तक रहता है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर उनको ठीक काम कर रहा है। प्लस जब आप एसी ऑन करें तो उसको चेक कर लें कि उसके कंडेंसर का फैन, उसमें आपका जो
रेडियो तो का फैन है, कुछ चल रहा है कि नहीं, जैसे कि मेरी गाड़ी में आई डोंट नो आपको दिख रहा हो तो मेरी रेडियो का फैन भी काम कर रहा है और मेरा प्लस कंप्रेसर का फैन भी काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2500 RPM और आप रेस दो 2500 RPM के ऊपर ये कितना नीचे जाता है। तो देखिए मैंने 2500 RPM दिया तो ये अराउंड 10 के ऊपर रह रहा है, तो इसको मतलब कि मेरा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको अंदर भी अपनी दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने इसको जो आपका ये जो ये देखिए अराउंड 2500 RPM के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, इसको आपने जो है जो आप सक्शन करेंगे या जब गैस को रिफिल करेंगे तभी आपने इसको 2500 RPM पे रखना है। 2500 RPM से कोशिश करें एक्सीट ना करें और इस पर आप जो है इंजन के अंदर जो है वो एसी को पर्श करके और फिर आप इस तरह सक्शन जो करेंगे उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बिफोर रिचार्ज मेरी इस वक्त जो गैस का जो मेरे गाड़ी के अंदर रूम का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 35.3 डिग्री सेल्सियस है। बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये है कि बिफोर जो मैं गैस को जो दोबारा रिचार्ज कर रहा हूँ उसका मीन्स ये कि कूलिंग ये इतनी अच्छी नहीं हो रही। आप ये देखिए मेरा थोड़ा सा और ग्रेजुअली बढ़ गया है, तो उसको दिखाने का मकसद यही था कि बिफोर रिचार्ज और फिर जब हम गैस को रिचार्ज करेंगे तो आफ्टर रिचार्ज कितने डिग्री का फ़र्क आता है और कूलिंग में आपका क्या फ़र्क आता है और इनर रूम में टेम्परेचर कितना डाउन होता है आफ्टर रिचार्जिंग माई गैस। तो इसको दिखाने का मेन मकसद ये है कि अच्छा ये ऐप जो है वो एक्यूरेट नहीं दिखा रहा होता, लेकिन दिखाने का ये कि टेम्परेचर पता चल जाएगा बिफोर रिचार्ज और आफ्टर रिचार्ज क्या है। प्रिसाइज तो नहीं बताएगा क्योंकि ये डिजिटल थर्मामीटर नहीं है, लेकिन ऐप से दिखाने का मकसद ये कि बिफोर और आफ्टर कितना फ़र्क आया जो है उसको अगर आप देखें तो मेरी अराउंड बहुत कम गैस है रेफ्रिजरेंट जो है। अब मैं इसमें जो थोड़ी बहुत रेफ्रिजरेंट है इसको निकाल दूंगा क्योंकि मेरा इसमें जो है वो एसी बिल्कुल 2.5 घंटे लीकेज हुई है, तो मैं इसमें सारी गैस बेसिकली वैक्यूम पम्प इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना फिर मैं इसको माइनस में लेकर वैक्यूम पम्प इस्तेमाल करता तो मेरा -30 में चल रहा था, फिर मैं उससे गैस डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट भर देता। लेकिन अभी तो पुरानी गैस थोड़ी बहुत बाकी है तो मैं उसको पहले पर्च करूँगा और पर्च करने का फिर इसमें मैं नई गैस जो है वो रिफिल करूँगा। ये देखिए मैं इसमें से अगर आपको आ रही हो मैं इसकी गैस को निकाल लूँगा ऐसा सा करके। और ये देखिए ये मेरी गैस निकल रही है, आप यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मेरी थोड़ा बहुत गैस जो है वो अच्छे से निकल रही है। देखिए मेरी ऑलमोस्ट गैस जो है वो इसमें से निकल चुकी है क्योंकि जो इसका एक नॉर्मल एक टेम्परेचर होना है जो गेट पर प्रेशर होना चाहिए जो उससे इसको ड्रॉप डाउन हो चुका है। अब मैं जो है इसमें गैस को जो है वो इजीली रिफिल कर सकता हूँ। इसमें गैस को पर्च कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं गैस को रिफिल करना शुरू करूँगा, लेकिन रिफिल करने से पहले एक चीज़ की है कि जो लाइन है इसके अंदर सम वॉट एयर मौजूद हो सकती है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्व खोलेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, दोनों बॉल बंद है और यहाँ से हम थोड़ी सी गैस को निकालेंगे कि अंदर जो इसकी लाइन के अंदर एयर हो वो निकल जाए ताकि आपके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है उसमें प्योर गैस है और ऑक्सीजन मिक्स ना हो ताकि आपकी कूलिंग जो है वो अंदर परफॉर्मेंस वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। मैं यहाँ से देखिए मैं इसको वॉल को खोलूँगा, देखिए मैंने वॉल खोल दिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से थोड़ी सी पीछे गैस निकालूंगा। ये देखिए गैस निकली, ये देखिए ये गैस निकल गई है, तो मतलब ये कि अब इसके अंदर से एयर जो है ना वो निकल गई है। जो मैंने आपको दिखाया गैस एयर को निकाल दी है, गैस आ गई है और इसके अंदर ऑयल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा क्योंकि इस वॉल्व मैंने यहाँ से खोल दी है और थोड़ी थोड़ी गैस जो है मैं इसके अंदर डालनी शुरू करूँगा ताकि ऑयल जो है वो पूरा सिस्टम में से होता हुआ कंप्रेसर में आ जाए और कंप्रेसर को लुब्रिकेट रखे। आपने इसको क्या करना है, थोड़ी देर आपने गैस को चार्ज करना है, 1-2 सेकंड के लिए खोलना है और बंद कर देना है। इस तरह करके आपने थोड़ा सा आपने इसको हिलाना है ताकि जैसे गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में ना जाए, गैस फॉर्म में ही जाए अंदर। अब मैं यहाँ से इसको खोलूँगा,
थोड़ा सा खोलूंगा, इंजन को थोड़ा सा रेव करो, मैं इंजन को थोड़ी सी रेस दूंगा ताकि इसके अंदर सक्शन शुरू हो। आपकी गाड़ी में गैस जो है वो चार्ज कर दी है, इसका अराउंड PSI प्रेशर जो है वो 39 PSI है लो साइड का, और हाई प्रेशर साइड का अराउंड 310 है, विच इज ऑलमोस्ट नॉर्मल जो चार्ट के जो वहाँ पर इंस्टॉल करूँगा उसके मुताबिक तकरीबन सेट है। क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत देरी कर सकता है, लेकिन EFI में ये जो है आपको प्रेशर बिल्कुल प्रेसाइस लगेगा, क्योंकि उसमें एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर होता है, ADC सेंसर, तो वो गाड़ी का जो है उस हिसाब से कंप्रेसर को जो है वो चला रहा होता है, और आपका जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से मॉनिटर हो रहा होता है, और AC सिस्टम को मॉनिटर करते हुए आपका कंप्रेसर जो है वो काम कर रहा होता है। क्योंकि ये नॉन EFI गाड़ी है तो उसके हिसाब से ये तकरीबन टेम्परेचर ठीक है। अगर मैं तो आपको जो है अंदर इसकी कूलिंग दिखा देता हूँ कि अंदर टेम्परेचर जो है वो कितना डिग्री ड्रॉप हुआ है, ऐसा है तो उससे काम कर रहे हैं जो है उससे पानी वगैरह इसका एवेपरेटर से निकल रहा है। अच्छा आप ये देखिए, जब मैंने गैस चार्ज नहीं की थी तो उस वक्त अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आ रहा था, और इस वक्त बाहर का भी जो था, जो अगर मैं इसको थर्मामीटर को ना भी चेक करूँ तो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का है। अब जो है ये गिर के अराउंड जो है 26.5 टेम्परेचर आ गया है, तो विच इज़ गुड के आपकी जो AC की जो गैस है वो अच्छी कूलिंग कर रही है, और अराउंड जो है वो आपका टेम्परेचर गिरा है। अब जैसे 27.4 हो गया तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, तो ये एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं है, लेकिन अंदर दिखाने का मकसद ये है कि जो गैस मैंने चार्ज की है उसके बाद परफॉर्मेंस में गाड़ी की फ़र्क आया है, और आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है। अब इंशाल्लाह जब ये चलेगी तो उस हिसाब से AC की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से आप गैस को पुरानी को आपने पर्च किया, और पर्च करने के बाद अपनी नई गैस चार्ज की, और चार्ज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।